श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 19। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 19 अध्याय है। किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आष्टिसेन उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याण में गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयतचित्त लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवन, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निरास करने वाले सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुःख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मण आग्रज उत्तम कुल में जन्म सुंदरता वाक्चातुरी बुद्धि और श्रेष्ठ योनि इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता असुर वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्रीहरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कोसल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नरनारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शांति और उपरती की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। हाँ, भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रमधर मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में
उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नरनारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्तियोग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद्य अहंतामता को हम तुरंत काट डालें। राजन इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मले, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सहेय, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, कुकुब, नी, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नानादि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवतोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेन्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमणवती, सिंधु, अंध और शोण नाम के नद, महांदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिमासा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असिकनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्यारूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्रीहरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दानादि करके जो तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता से कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, आता कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्याझा के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है,
किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोकादि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभ्यपद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृत में सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्म लोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारत वर्ष में ज्ञान, विवेक बुद्धि, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागम के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्रीहरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांच जने, सिंहल और लंका हैं। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया।